गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और एक दिन रहा अगर दक्षु अच्छे से स्कूल में, आज इसका फिर से ड्रामा स्टार्ट हो गया है। मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना। जाना है स्कूल? आपको स्कूल में मैम पिट्टू करती है? कौन सी मैम पिट्टू करती है? दागी दागी मैम पिट्टू करती है। चलो फिर हम देखते हैं। अरे खाली खाली झूठ सब, स्कूल नहीं जाने के चक्कर में। अच्छा कल छुट्टी करोगे, आज चलते हैं, ठीक है? आज चले हम, कल छुट्टी कर लेना। ओके ओके ओके, चलो फिर आज चले। तो चलिए फ्रेंड, मैं निकलती हूँ अभी दक्ष को लेके स्कूल। और फ्रेंड, सिनेमा लाइन का रास्ता जो है वो रहा बहुत ही बेकार, हमें आना पड़ रहा है दूसरों के घरों के रास्तों से। डॉगी को अभी दिख जाएगा। चलो ये देखिए, क्या करें, जब तक रास्ता नहीं बनेगा तो ऐसे ही आना पड़ेगा, क्योंकि रोड वाला रास्ता हो जाता है बहुत ज्यादा लॉन्ग मेरे लिए। और दक्षित और मामा पहुंच चुके हैं स्कूल। अब दक्षित मामा को बाय करेंगे। बाय कर दो, बाय। रोना नहीं है। हाँ ये कल नहीं आएगा, कल दक्षित की छुट्टी। ओके चलो, किसी कर दो, बाय कर दो, किसी कर दो, बाय कर दो, हाय। किस करनी है? बापरे, बहुत ही मुश्किल है बच्चे को स्कूल में छोड़ना। और फ्रेंड अभी पहुंच चुकी हूँ मैं ग्रामीण बैंक, तो फटाफट से निपटा लेते हैं बैंक के काम। जमा पर्ची। और मॉर्निंग का टाइम है तो बैंक में तो वैसे भी भीड़ नहीं रहती, और ग्रामीण बैंक तो वैसे भी यहाँ पे आप कभी भी आओ तो ज़्यादा भीड़ कभी भी नहीं रहती है। बैंक से निकल चुकी हूँ मैं, काम हो चुका है जिस काम के लिए आई थी। और फ्रेंड्स देखने आई हूँ मैं, कुछ और पसंद आ चुका है कुछ और, ये देखो। बट अच्छे लग रहे हैं ना आप लोग, बताना मेरा टॉप्स कैसा लग रहा है फ्रेंड। और फ्रेंड 11:30 हो चुका है, एक शॉप में ही मुझे लग गया लगभग आधे घंटा पूरा। फिटेक्स से काम करके निकलती हूँ। और फ्रेंड मार्केट से मैं घर पहुँच गई हूँ, बट मुझे जो चाहिए था, मतलब कि जिस चीज़ को लेने के लिए गई थी मैं, वो तो मुझे मिला ही नहीं। फिर लेट भी हो रहा था तो मैंने ज़्यादा शॉप में पूछा भी नहीं। अब बाकी जो सामान लाई हूँ इनको रख के मैं निकली बेटे को लेने के लिए। और अब टाइम हो चुका है मेरा दक्षु को लाने के लिए, बट मेरी इलायची देखो फ्रेंड, 50 रुपए की इलायची, सिर्फ इत्तु सी आई, इत्तु सी इलायची है 50 रुपए की, बताओ। चलिए हम, मैंने निकाल दिया यहाँ का काम, चली मैं कहा दक्ष को लेने। एक रह गई इसमें तो मैं खा लेती हूँ। तो जिस कैटू को देखने के लिए आता है यहाँ पे, लो टच कर लो, नहीं करती कुछ, कर लो, जाओ जाओ टच करो, दीदी दिखा लिए, करो टच। डर रहा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम किट्टू है। किट। आवाज सुनाई दे रही है दक्षु की? क्या कर रही है अम्मा? टैब देख रही है। किसने बोला टैब देख रही है? अम्मा तो निन्ना कर रही है। दादी तो सोई है, निन्ना निन्ना कर रही है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? दादी तो निन्ना कर रही थी, बाल देखो दादी के। मुझे सुनाई दे रहा था बाहर से। सुनाई दे रहा था? क्या सुनाई दे रहा था? इसमें क्या ढूंढ रहे हो आप? क्या चाहिए?
मैं तो जेम्स लाई नहीं, दुकान में ही भूल गई। जब तक ये स्कूल में रोता है इसको रोज रिश्वत देनी पड़ती है। सुबह जाते वक्त इसने चॉकलेट ली थी और अभी क्या लेके आये हो? मेरे को भी दिया तो चॉकलेट। चॉकलेट नहीं लाया हूँ। क्या लाए हो फिर दिखाओ, दिखा दो तो क्या लाए हो? कुछ नहीं है। देखो कुछ नहीं है, दक्षु के पास कुछ नहीं है। अभी इसमें देखता हूँ। किसकी चिज्जी है ये? क्या पढ़ा आज स्कूल में? जेम। वो मेरा है कि आपका है? ठीक है मैं तक मेरा आपका। ओके चालू चीज है बच्चा। और फ्रेंड थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद और नाश्ता करने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर को लेने, बट मौसम हो रहा है खतरनाक, मतलब कि बारिश आने वाली है, तो इसलिए छाता जो है मैंने ले लिया है पहले से ही, सेफ्टी ज़रूरी है। ये देख सकते हो सिनेमा लाइन के रास्ते की ये हो रही है हालत, जो भी आना चाहेगा आजकल मत आना, इस गली के बहुत बुरे हो रहे हैं हाल, यहाँ पे चल रहा है काम और इतने बड़े बड़े खट्टे हो रहे हैं। और फ्रेंड बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और देख सकती हो ना ये जो मिट्टी निकाली है ना, ये गीली गीली मिट्टी, इसमें मेरा इतनी बार पैर मतलब फिसलते फिसलते बच चुका है। और जो मैंने आपको इससे पहले वाला रास्ता दिखाया था वहाँ पे तो मैं एक दिन गिर गई, एक भैया ने पकड़ लिया, वरना उस दिन मेरी टांग वांग कुछ भी नहीं बचती। लेकिन क्या करूँ, बच्चों को स्कूल तो ले जाना है, तो जब तक रास्ता बनेगा नहीं बच्चों को थोड़ा सेफ्टी से पहुँचाना ही पड़ेगा मुझे स्कूल। और फ्रेंड गर्व को लाने के बाद, उसे मैंने लंच कराने के बाद और शाम की अपनी सारी तैयारी मतलब कि सब्जी वगैरह कट, आटा गूंदने के बाद मतलब सब्जी मम्मी कट कर लेती है, मैंने आटा गूंद दिया है और आधा घंटा मैंने रील्स बना ली है। अब मैं करूंगी कपड़े चेंज और उसके बाद कराऊंगी बच्चों को स्टडी। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों ने मेरा आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। और देखो फ्रेंड कितनी भागम दौड़ भरी जिंदगी रहती है, आज तो मुझे रेस्ट करने का मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, थोड़ी देर में वैसे ही लेट गई थी और जो सुबह कंटिन्यू चली थी ना वो कंटिन्यू 4 बजे तक गवी घर पे पहुंचता है, तो तब तक मैं कंटिन्यू चल रही थी आज। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कल मिलते हैं आपको फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।